गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सूरज स्कूल बुलाना के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है बेटा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे प्यारे बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। बेटा आज सिक्स क्लास के मैथ्स के टॉपिक पढ़ेंगे। आज हम सेकेंड चैप्टर आपका जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं बेटा, तो बड़े ध्यान से इस चैप्टर को देखना आपने। और चैप्टर का जो नाम है आपका वो है होल नंबर्स। तो आपके चैप्टर का नाम है बेटा वो क्या है? होल नंबर्स है। होल नंबर क्या होते हैं बेटा? होल नंबर द नंबर जीरो टुगेदर विद द काउंटिंग नंबर्स। बेटा आप काउंटिंग तो करते ही होंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आपने पढ़ी होगी छोटा जैसा। तो बेटा उस काउंटिंग में अगर जीरो और ऐड कर देना तो वो कौन सा नंबर बन जाएगा बेटा? आपका होल नंबर बन जाएगा। क्या कह रहा हूं मैं कि अगर जीरो और ऐड कर देना बेटा तो कौन सा नंबर बन जाएगा? ना होल नंबर बन जाएगा बेटा। जैसे कि देखिए 0 1 2 3 4 5 ये आपका क्या है? इन्फिनिटी तक लार्जेस्ट नंबर। आपसे कोई पूछे ना बेटा कि होल नंबर में लार्जेस्ट नंबर बताओ, तो आप कहना कि होल नंबर में लार्जेस्ट नंबर कोई नहीं होता, इन्फिनिटी तक जाता है। और आपसे कोई कहे कि होल नंबर का स्मॉलेस्ट नंबर बताओ तो क्या बताएंगे बेटा? जीरो इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ होल नंबर। अब देखिए नेचुरल नंबर क्या होता था बेटा, मैंने आपको बताया था मेरे प्यारे बच्चों, नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर होती थी आपकी काउंटिंग। नेचुरल नंबर क्या होती थी आपकी? काउंटिंग होती थी। तो अगर मैं जीरो और ऐड कर दूं काउंटिंग के आगे, काउंटिंग मतलब 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी, तो अगर मैं जीरो और ऐड कर दूं बेटा मेरी काउंटिंग के आगे तो क्या बन जाएगा वो मेरे प्यारे बच्चों? होल नंबर बन जाएगा वो। क्या बन जाएगा? होल नंबर बन जाएगा। समझ में आ गई बात? होल नंबर क्या होता है कंसेप्ट समझ में आ गया बेटा? क्या क्या नंबर आते हैं होल नंबर के अंदर वो कंसेप्ट समझ में आ गया। चलिए अब हम बात करते हैं एक टॉपिक की जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है बेटा नंबर लाइन। इसका नाम क्या है बेटा? नंबर लाइन। आपने अपने बड़े भाई बड़ी बहन या फिर खुद आपने ग्राफ देखा होगा बेटा, ग्राफ का एक पेपर आता है ना, ग्राफ जिसमें लाइंस बनी होती है वो आता होगा ना। तो देखिए नंबर ऑफ लाइन क्या होता है बेटा? ये लाइन है, मैं ये मान के चलता हूं कि ये एक लाइन है। तो लाइन की शुरुआत होल नंबर में बेटा जीरो से स्टार्ट होती है, जीरो से शुरुआत होती है, जीरो से शुरुआत होती है और इक्वल स्पेसिस में ये डिवाइडेड होता है। एक दो आपका फुटा तो देखा होगा ना बेटा आपने, अरे आपका आप स्केल तो देखते होंगे ना, स्केल स्केल के ऊपर आपकी क्या होती है? यूनिट डिवाइडेड होती है, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर ऐसे, वही समझ लें आप बस, 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर ये ऐसे यूनिक मतलब स्पेशल इक्वल साइज में क्या होती है बेटा? ये डिवाइडेड होती है, इक्वल पार्ट में डिवाइडेड होती है बेटा, ठीक है। अब ये लाइन आपकी ना होल नंबर में बेटा बहुत काम आएगी आपको। ये लाइन जो आपकी है ये होल नंबर में बहुत काम आएगी बेटा आपको। कैसे? आप कहेंगे सर बताओ एक बार कैसे काम आएगी। देखिए सबसे पहले तो आएगी कंपेयरिंग टू होल नंबर्स। बेटा आपको दो होल नंबर कंपेयर करना है। देखिए ये मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, ये जीरो होता है आपको पता ही, इनिशियली 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ये मैंने काउंटिंग लिख दी बेटा आपकी, ठीक है। अब आप क्या कहेंगे? अब आप कहेंगे कि सर नंबर कंपेयर कैसे होते हैं इसके अंदर? तो बिल्कुल इजी है बेटा, बहुत इजी है नंबर कंपेयर करना। आप कहेंगे कैसे? अब मैं आपसे कहूं कि देखिए अगर कोई नंबर किसी नंबर के राइट में आता है, अगर कोई नंबर किसी नंबर के राइट में आता है तो बेटा वो नंबर आपका लार्जर नंबर है, वो आपका लार्जेस्ट नंबर है। और अगर कोई नंबर किसी नंबर के लेफ्ट में आता है तो बेटा वो स्मॉलेस्ट नंबर है, वो आपका स्मॉलर नंबर है। अब जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ बेटा, मुझे 9 और 7 में पता करना है। एक नंबर मेरे पास 9 है, एक नंबर मेरे पास 7 है, ठीक है। एक नंबर मेरे पास 9 है बेटा, एक नंबर मेरे पास क्या है? 7 है। मुझे कंपेयर करना दोनों को कौन बड़ा है। देखिए पहले कौन आ रहा है? पहले तो ये देखिए 7 आ रहा है। अब 7 के राइट में है 9, अरे राइट हैंड में है ना 9। देखिए राइट हैंड साइड चलते हैं तभी तो 9 आता है। तो आप क्या कहेंगे बेटा? 9 इज ग्रेटर देन 7। आप क्या कहेंगे? 9 इज ग्रेटर देन 7। ऐसे बेटा मैं 3 और 5 की बात करूं, आप किसी भी नंबर की बात कर सकते हैं 3 और 5 की। देखिए 3 पहले आ रहा है, 3 पहले आ रहा है फिर 5 आ रहा है, मतलब 3 के राइट में पड़ा 5, तो आप क्या कहेंगे? 5 इज ग्रेटर देन 3।
समझ गए बेटा कि दो नंबर कैसे कंपेयर होते हैं। बहुत इजी है दो नंबर्स को कंपेयर करना। देखिए आप देख सकते हैं, देखिए मैंने करा है दो नंबर्स को कंपेयर, देखिए आपके सामने कितना इजी है कंपेयर करना दो नंबर्स को, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा कि हम लाइन से और क्या क्या कर सकते हैं। देखिए बेटा लाइन से हम एडिशन भी कर सकते हैं, एडिशन ऑन नंबर लाइन। जो आपकी लाइन दी है ना बेटा उसके ऊपर एडिशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि आपसे कोई कहे कि आपको 3 + 4 करना, बेटा आपको क्या करना है, 3 + 4 करना है, लाइन ड्रॉ कर लो। लो भी लाइन ड्रॉ कर ली, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 0 से शुरुआत होती है आपको पता ही है। अब क्या करना है आपने, देखिए 3 के ऊपर तो चलना ही चलना है, 0 से 3 के ऊपर तो चलना ही चलना है। अब 3 में क्या करना है आपने, 4 स्टेप और जोड़ने हैं। देखिए पहला स्टेप, दूसरा, तीसरा और चौथा, क्या आया बेटा, कितना आया, 7। तो इनका आंसर क्या आएगा बेटा, 7। समझ में आई बात, एडिशन कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। देखिए हमें 4 जंप लेने हैं, ये कहते हैं कि 3 के बाद हमें 4 बार कूदना है। एक बार कूदे, दो बार कूदे, 3 बार कूदे और 4 बार कूदे, क्या नंबर आ गया वहां पे, 7 आ गया, 7 मेरा आंसर है। समझ में आई बात। ऐसे ही आपसे कोई कहे कि आपने 2 और 6 को ऐड करना है बेटा, 2 + 6 करना है, तो 2 पे तो चलना है डायरेक्ट, 2 पे तो डायरेक्ट जंप लेना है, फिर एक एक स्टेप जंप लेना। कितने स्टेप जंप लेने, 6 स्टेप जंप लेने। देखिए ये स्टेप्स हैं, जितने स्टेप जंप लेने ना वो है ये। कितने स्टेप, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप 5 और ये 6, 6 आ गया, तो इसका आंसर आएगा बेटा 8। समझ में आ गई बात, एडिशन कैसे करते हैं। ऐसे हम बात करते हैं बेटा सब्सट्रैक्शन कैसे होती है, सब्सट्रैक्शन ऑन ए लाइन। कि एक लाइन के ऊपर आप सब्सट्रैक्शन कैसे परफॉर्म करेंगे, ये भी बहुत इजी है बेटा। अगर सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करनी है आपने तो ये भी इजी है। चलिए कैसे परफॉर्म करते हैं सब्सट्रैक्शन। देखिए मुझे 7 - 5 करना है, मुझे 7 - 5 करना है, तो आप क्या करेंगे बेटा, एक लाइन तो ड्रॉ कर ही लेंगे। ये मैंने लाइन ड्रॉ कर ली, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 ये 8, इक्वल होते हैं बेटा, ये इक्वल स्पेस होते हैं, कुछ इधर उधर हो रहे हैं तो देख लेना आप। अब मेरे पास यहाँ पे स्केल तो है नहीं कि मैं बिल्कुल इक्वल स्पेस बनाऊँ यहाँ पे, तो आप देख लेना इक्वल स्पेस होते हैं। देखिए मुझे पहले कहाँ चलना है, 7 के ऊपर चलना है। अब 7 से जब सब्सट्रैक्शन की बात होती है तो उल्टे उल्टे स्टेप रखने। देखिए एडिशन में मैं सीधे स्टेप रखा था राइट साइड, इसमें मुझे लेफ्ट साइड स्टेप रखने हैं। कितने स्टेप, 5, 1 2 3 4 और ये 5, 5 स्टेप होने के बाद क्या नंबर आया बेटा, 2, तो 2 इसका आंसर है। समझ में आई कि नहीं बात। हमें स्टार्ट कहाँ से करना बेटा, हमें स्टार्ट करना कहाँ से, हमें 7 से स्टार्ट करना है, और फिर कितने स्टेप उल्टे रखने हैं, 5 स्टेप उल्टे रखने हैं। आपसे कोई कहे बेटा कि 8 - 2 करके दिखाओ, 8 - 2, तो आपने पहले कहाँ जाना है, आपने 8 के ऊपर जाना है, ये 8 के ऊपर गया मैं, और यहाँ से 2 स्टेप रखने हैं वापस, 1 और 2, ये 6 आएगा इसका आंसर, 6 आ गया बेटा। समझ गया कि नहीं बात। अरे बहुत ईजी है सब्सट्रैक्शन एडिशन, ये दोनों ही टर्म्स बहुत ईजी है। देखिए अब अगली टर्म पढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक कहता है वो कहता है बेटा मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन ऑन लाइन। बेटा अब क्या परफॉर्म करना हमें, मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करना, ये भी बहुत इजी है, ये भी मल्टीप्लीकेशन भी बहुत इजी है बेटा। कैसे कहेंगे आपकी मल्टीप्लीकेशन इजी सर, चलिए अभी बताते हैं, तब आप कहेंगे कि सर मल्टीप्लीकेशन भी बहुत इजी था। मेरे प्यारे बच्चों वीडियो को लास्ट तक देखना है आपने, अगर वीडियो को लास्ट तक नहीं देखोगे ना तो टॉपिक समझ में नहीं आएगा मेरे प्यारे बच्चों। मैं शुरू से लेकर चल रहा हूँ, 0 लेवल से उठा रहा हूँ आप लोगों को, और 0 से हमें हीरो बनना है बेटा, 0 से मैथ में हीरो बनना है। जिसको एक चीज भी नहीं आती, एक टॉपिक भी नहीं आता ना, जिसको ये भी नहीं पता सर मेरे को तो बिल्कुल मैथ से डर लगता है, मेरे को तो मैथ आता ही नहीं है, उसको भी हम मैथ सिखाएंगे बेटा बहुत इजी तरीके से, है ना। चलिए देखते हैं। देखिए मुझे 3 × 4 करना है मेरे बच्चे, 3 × 4 करना है। कैसे करेंगे 3 × 4, देखिए बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मैंने प्रेजेंट कर लिया। अब मेरे बच्चों क्या करना है आपने, देखिए ये है स्टेप्स, ये है स्टेप्स और ये है जंप, ये मान के चलो आप, ये है जंप। एक स्टेप में मुझे कितने जंप लेने हैं बेटा, एक स्टेप में मुझे 3 जंप लेने हैं। देखिए ये लिया मैंने 3 का जंप, देखिए 1 2 और 3, 3 का जंप ले लिया ना, 3 आ गया। फिर दोबारा मुझे 3 का जंप लेना है, ये ले लिया मैंने 3 का जंप बेटा,
एक दो और तीन, तीन का जंप ले लिया ना, फिर दोबारा मुझे तीन का जंप लेना है, तीन का जंप ले लिया, फिर मुझे तीन का जंप लेना है, ले लिया, कितने जंप हो गए, एक दो तीन और चार, चार स्टेप हो गए ना, और जंप कितने का लिया मैंने, तीन का, टोटल नंबर कौन सा आ गया बेटा, 12। ये आपका आंसर है। अगर यहीं पे आपसे कहते 2 × 5 करके दिखाओ, तो बेटा देखिए आपने स्टेप कितने लेने, 5, और कितना जंप, दो जंप, तो देखिए एक जंप दो जंप और दो 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 के जंप ले लिए, 5 बार लेने ये, 3, 4 और ये लो 5, आपका नंबर क्या आया, 10, ये 10 हो गया बेटा, समझ गए। तो बहुत इजी है बेटा, बहुत इजी है, समझ गए। अब देखिए आपसे कोई क्वेश्चन करे, आपसे कोई क्वेश्चन कहे द होल नंबर विच इज नॉट ए नेचुरल नंबर, द होल नंबर विच इज नॉट नेचुरल नंबर, ऐसा होल नंबर बताओ जो नेचुरल नंबर नहीं है। तो बेटा देखिए मैंने क्या कहा था कि नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, तो क्या 0 आता है नेचुरल नंबर में, नहीं आता, तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 इज द होल नंबर विच इज नॉट नेचुरल नंबर, 0 एक ऐसा होल नंबर है जो नेचुरल नंबर नहीं है, बाकी सब नेचुरल नंबर है। देखिए सब में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन्फिनिटी आता है, इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा क्या आता है, इसमें एक्स्ट्रा आपका आपका क्या आता है, 0 आता है, समझ गए बात, ठीक है। अब देखिए बेटा आपका असाइनमेंट जो है, असाइनमेंट आपने घर से जो परफॉर्म करना है बेटा, होमवर्क 2.1 असाइनमेंट आपने बेटा घर से कंप्लीट करना, असाइनमेंट 2.1। मेरे प्यारे बच्चों मुझे विश्वास है कि आप लोग घर पे काम करते होंगे, इसलिए आप ध्यान से काम करें, मन लगा के काम करें मेरे बच्चे। देखिए मैं इतनी मेहनत से आपको पढ़ा रहा हूँ, और अगर आप काम नहीं करेंगे ना तो कोई फायदा नहीं है मेरे पढ़ाने का, तो आप काम करते रहिए, ताकि मैं स्कूल को ये कहता हूँ कि मेरे बच्चे सबसे ज्यादा अच्छे बच्चे हैं और टॉप करते हैं, ठीक है। तो सूरज स्कूल बुलाना के बेटा इस चैनल पे, इस वीडियो पे बने रहने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। कल हम नए टॉपिक के पढ़ेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।